वीडियो बनवाएं अपने कारोबार की तरक्की के लिए, इस नंबर पर वॉइस नोट भेजिए। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं हम और ब्रिज के नीचे से गुज़र रहे हैं जिसका भी हाल ही में इफ्तिताह हुआ था रमज़ान के महीने में। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है, वो है अंडरपास का काम। कई अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है जिसको मुकम्मल किया जाना है और इस पर काम जारी है। अंडरपास पे क्या काम हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या पोजीशन है, वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने इसका फेज़ वन जो था अंडरपास का, वो हमने दिखाया था जो कि पुल के दूसरी जानिब का था। अब हम आपको पुल के इस जानिब के मनाजिर दिखा रहे हैं कि लोगों को क्या तकालीफ हो रही हैं यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में, कि बहुत लंबा रूट लेना पड़ रहा है अगर आप सही रास्ते से जाएं तो, यानी ब्रिज पे चढ़ें फिर ब्रिज पे उतरें फिर अपनी मंजिल तक पहुँचें। तो ये देख रहे हैं आप, ये सब रश लगा हुआ है, लोग इसी जगह से गुज़र रहे हैं। ख़तरा भी है, ये साइड में नाला बन चुका है सेवरेज के लिए, लेकिन अब क्या करें भाई, पेट्रोल बहुत महंगा है और टाइम उससे भी ज़्यादा महंगा है, तो सब कुछ बचाना बहुत ज़रूरी है। सीधे हाथ पे चेस का स्टोर है और ये कच्चा रास्ता है, साथ में नाला भी चल रहा है। ये सब जहाँ से भी हम गुज़र रहे हैं ये सब अभी खुदाई होगी और उसके बाद ये अंडरपास में कन्वर्ट हो जाएगी ये जगह, लेकिन कब तक होगा ये तो भाई अल्लाह ही जाने। आपको तो पता ही है हमारे यहाँ के काम की इस रफ्तार क्या होती है। ये सब अभी काम यहाँ पे नाले का बाकी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब हम दूसरी रोड पे चले आएंगे क्योंकि ये रास्ता आगे से बंद है। ये रास्ता सीधा जा रहा है यहाँ से हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ, पहलवान गोट की तरफ। सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ पे मुकम्मल तौर पे कमर्शियल एरिया है, ऊंचे ऊंचे फ्लैट बने हुए हैं। लो भाई, मशीन भी जा रही है किसी न किसी जगह की खुदाई करने के लिए, तो मशीनों का आना जाना तो लगा ही रहेगा यहाँ पर कम अज़ कम साल भर तक तो लाजमी है। लेकिन हमने पिछली वीडियो में ये जाना था कि 14 अगस्त को इसकी ओपनिंग कर दी जाएगी, तो भाई मैं भी दुआ गो हूँ, आप भी दुआएं मांगें कि इस इलाके के लोगों की मुश्किलात कम से कम हो जाएं और जल्द से जल्द ये अंडरपास मुकम्मल हो जाए। देख रहे हैं आप किस कदर तकालीफ से लोग गुज़र रहे हैं, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं, लेकिन बहरहाल डेवलपमेंट के जब काम होते हैं तो ये सब कुछ तो होता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, जिस तरीके से दूसरे मुल्कों में होता है कि वो रास्ते बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ भी वो रास्ते बनने चाहिए। पहले अल्टरनेट देना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन हमारे यहाँ तो बस खोद दो भाई, खोद दो, कॉन्ट्रैक्टर का मीटर चालू हो जाता है, बस फिर आमदनी का ज़रिया शुरू। ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का बल्कि और दीगर लोगों का भी जो भी उससे मुंसलिक होते हैं, चाहे वो फाइल को आगे बढ़ाने वाले लोग ही ना हो। ये खुदाई हो रही है, यहाँ भी नाला बन रहा है, दीवार खड़ी हो जाएगी अंडरपास की, अंदर लेबर काम कर रही है। ये वो लेबर है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें मुकम्मल होती हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं, लेकिन इनकी तनख्वाहें बहुत ही नॉमिनल सी होती हैं। दूसरी जानिब की दीवार काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं, निशान भी लग चुके हैं। अब नीचे अंडरपास की दीवार की तामीर का काम जारी है। ये सीधा रास्ता पहलवान गोट की तरफ जाता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, देखें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे खुदाई हो रही है इस वक्त और यहाँ से सीधा रास्ता चला जाएगा हबीब यूनिवर्सिटी की तरफ। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट जौहर चौरंगी पे। बहुत से लोग जानना चाहते थे, हमें मैसेजेस कर रहे थे कि यहाँ की अपडेट दें, अंडरपास की क्या सूरत हाल है। तो अंडरपास की अपडेट आपके सामने दो पार्ट्स में हमने आपको पेश की। पहला पार्ट कुछ दिनों पहले हमने दिया था, अब ये दूसरा पार्ट है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कराची में कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं और जौहर चौरंगी पे बनने वाले अंडरपास की क्या हालत है। एक दफ़ा फिर ये मंजर देख लें आप, पहाड़ी जैसे टीले से होती हुई गाड़ियाँ गुजरती हैं, उसके आगे केबल भी पड़ा हुआ है। नतीजा ये कि लोगों को खासी परेशानी हो रही है, लेकिन भाई और कोई हल नहीं है। माजरत, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है भाई, ये ट्रक खड़ा हुआ है। ओहो, अरे भाई इसने तो परफ्यूम चौक को उठा लिया है, उठा लिया भाई, परफ्यूम चौक को उठा लिया भाई, ट्रक पे लाद दिया है। लो भाई ज़बरदस्त हो गया। बैकग्राउंड के फ्लैट देख रहे हैं आप कितने गंदे हो रहे हैं, ये सब सीवरेज की लीकेज की वजह है। ये रहा परफ्यूम चौक भाई, देख लें भाई, सब लोग जिसने नहीं देखा वो देख लें, परफ्यूम चौक को उठा लिया है भाई ट्रक ने, और ट्रक भी बहुत ज़बरदस्त है, शेर व शायरी भी लिखी हुई है, लशपश है। एक और परफ्यूम चौक के ब्लॉक को उठा के लोड किया जा रहा है अब ट्रक पर, ज़बरदस्त हो गया भाई। जो फ्लैट आपको नज़र आ रहे हैं ये गुलिस्तान जौहर का ब्लॉक 13 है, जबकि मैं जिस साइड पे खड़ा हुआ हूँ ये ब्लॉक 18 है गुलिस्तान जौहर का। ये सब मनाजिर आपके सामने है। वापस हम जा रहे हैं अब जौहर चौरंगी की तरफ। सीवरेज के पाइप पड़े हुए हैं, नए पाइप डाले जा रहे हैं इस इलाके में ताकि लंबे अरसे तक सीवरेज के इशूज़ ना पैदा हो। यह है ब्लॉक 18 गुलिस्तान जौहर का। ये चेज़ का स्टोर आ गया है, चेज़ अप काफ़ी बड़ा स्टोर है और ज़्यादा पुराना नहीं है, कुछ ही अर्सा कब ये खुला है। ख़रीदारों की गाड़ियाँ ज़ाहिर रोड पे खड़ी होंगी भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अब हम पहुँच चुके हैं जौहर चौरंगी पर, अंडरपास की ताज़ा सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। सामने ब्रिज है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। अब चल रहे हैं हम मज़ीद आगे किसी और मंजिल की तरफ। तो भाई अपना, अपने घर वालों का, अपने अहल वयाल का, आस पड़ोस का, सबका ख्याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सबको अपडेट्स मिलती रहें, और आपके इलाकों में क्या हो रहा है उससे भी हमें आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।